बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कानून में संशोधन कर दिया है, जिसको लेकर बक्सर के लोगों के मूड बदल गए हैं। लोगों ने कहा कि सरकार बड़ी साजिश रच रही है, जिसके पीछे बड़ा खेल हो रहा है और जनता पीसी जा रही है। दरअसल शराबबंदी कानून में किए गए बदलाव पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ लोग इसे उगाही का नया तरीका बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कानून पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो पंकज उधास की एक गजल है, हुई महंगी बहुत ही शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो है उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब आज तक जब से ये शराबबंदी का कानून आया है, तब से लेकर आज तक देखिए पूरी शराबबंदी का कानून ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और इसकी आड़ में जो मुख्यमंत्री जी बड़ा खेल खेल रहे हैं उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। इसकी आड़ में खेल ये खेला जा रहा है कि पिछले एक साल में जदयू एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको 100 करोड़ रुपए चंदा आए। बिहार में कौन इंडस्ट्रीज है जो 100 करोड़ चंदा दे? ये शराबबंदी का पैसा है जो घूम के मुख्यमंत्री जी की पार्टी में चंदे के रूप में इकट्ठा हो रहा है। तो ये शराबबंदी जो है सिर्फ एक दिखावा है बिहार में, इसका जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 1% फायदा अगर है तो वो सीधे और सीधे जदयू और मुख्यमंत्री जी की पार्टी को है, जनता को कोई फायदा नहीं है। युवा जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए वो बच्चे आज शराब का धंधा कर रहे हैं, और स्थिति ये है कि हर जिले में एक बड़ा धंधेबाज है जो पुलिस तक पैसा पहुंचाता है और वो पैसा मुख्यमंत्री जी तक जाता है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने उसका तमाशा देखा है बक्सर में। हमें है शराब को लेकर के कुछ कानूनों में बदलाव किए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा ही अब उनको जमानत भी मिल जाए। कैसे देखते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इसको? हम इस प्रदेश के शराबबंदी को एक अलग तरह से ही देखते हैं। व्यवस्थाएं इस शराबबंदी से इतनी बिगड़ती चली गई कि युवा पीढ़ी अब हीरोइन के लत में आ गई। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार अभी तक इस पर करना क्या चाहती है। सरकार रोज कानून बना रही है, रोज कानून बदल रही है। प्रशासन अपने जो सरकार डिप्यूट कर रही है, प्रशासन उस काम में लगी हुई है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो हम लोग अभी आसन जो व्यवस्था देख रहे हैं जमीन पर, वहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। कोई अपने पति को सर मतलब पहले अगर जेल में चला गया तो उसको छुड़ाने के लिए परेशान है। 100 रुपये का मतलब जो शराब मजदूर खरीदता था 300 का खरीद रहा है। अब मान लीजिए थोड़ा सा सरकार ने उनको आसान बनाया है कि थोड़ा सा आराम से रिलीफ देंगे कि भाई आप पीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले समझे कि इस युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप इसके इस नाटक से, इस व्यवस्था से वो हीरोइन की तरफ बढ़ गई है, बेकार हो गई है। शराब बेचने के लिए युवा पीढ़ी अपने कट्टा पिस्टल लेके घूम रहे हैं, और कोई अपाची खरीद के आपकी इस बंद के कारण हुआ है, उनको एक नया रोजगार मिला। आप इस नाटक को बंद करें, एक नए रास्ते को पर ले आए बिहार के युवा पीढ़ियों को, आप एक अच्छा काम करें। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने नए कानून के तहत प्रावधान किया है कि अब कोई भी शराब पीने के बाद पकड़ाता है तो वह 2000 से लेकर 5000 तक फाइन देकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छूट जाएगा। जिसको लेकर कहा कि नए कानून में पैसे वाले लोग छूट जाएंगे, लेकिन गरीब गुरबे लोग बेवजह शराब के कारण जेल जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शराबबंदी कानून बिहार के लिए अच्छा साबित हो रहा है और नए संशोधन से लोगों को लाभ भी मिलेगा। बिहार की जो नई शराबबंदी कानून है उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा निर्णय आया है। शराब का जो नया नियम हमारे नीतीश कुमार सरकार ने जो किए हैं, ये स्वागत योग्य है। इसलिए कि कोई भी मान लीजिए कि जो इसे सजा का प्रावधान रहता है, उसी तरह उस प्रावधान को कम करके और ये जो 2000 से लेकर 5000 रुपया के बीच में लगाने का काम किए हैं, ये स्वागत योग्य है। यदि कोई गलती से भूल हो जाता है और कोई शराब पी लेता है तो पैसा देकर अपना छूट जाएगा, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। नए कानून को आप कैसे देख रहे हैं? जो अभी नया कानून विधानसभा में पारित हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? जो शराबबंदी में नया कानून बनाया गया है, इस कानून को जनता के पक्ष में है और अजनता के लिए है। जो बाहर से लोग आया करते थे अनजाने में शराब लेकर के चले आते थे या पी करके चले आते थे, वो लोग फंस जाते थे और बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे घराने के लोग रहते थे। कोई इंजीनियर रहता था, डॉक्टर रहता था। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने सोचते हुए और उनके दर्द को देखते हुए ये कानून लाने का काम किया है।
आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।